डोंट रिमूव द ब्रेक्स ब्रेक्स ना हटाएँ गुड मॉर्निंग तो एक बार एक फिज़िक्स का सेशन चल रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर एंड स्टूडेंट्स uh, में बहस हो रही थी कि ब्रेक्स की जरूरत ही क्या है तो प्रोफेसर के साथ जो है ये इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही थी तो एक स्टूडेंट ने उठ के कहा कि भी ब्रेक्स तो इसलिए ज़रूरी हैं कि गाड़ी को रोकेंगे कैसे ठीक है तो और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे उसकी स्पीड कैसे कम करेंगे दूसरे ने कहा भी हाँ बिल्कुल एक्सीडेंट को बचाने के लिए ब्रेक्स uh, बहुत ही जरूरी हैं इन बाकी स्टूडेंट ने भी जो है बहुत ही सिमिलर सा जवाब दिया तो टीचर ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं इसको एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं ठीक है तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि इसको एक डिफरेंट तरीके से देखें कि ब्रेक्स जो हैं वो गाड़ी को ना ज़्यादा फास्ट चलाने के लिए इनेबल करते हैं तो ब्रेक्स इन अ कार इनेबल अस टू रन इट फास्टर ये सुन के स्टूडेंट्स थोड़े से यू नो हैरान हुए कहते हैं कि सर कि क्या बात कर रहे हो आप कि ब्रेक्स का स्पीड कम करने का फंक्शन है ना कि स्पीड को बढ़ाने का तो टीचर ने कहा कि अच्छा एची बताओ कि अगर हम गाड़ी में से ब्रेक्स को हटाई दें तो अब आप कितना तेज़ चलाओगे गाड़ी को क्योंकि ब्रेक्स रहते हैं तो आपके अंदर हिम्मत रहती है करेज रहती है कि यू कैन ड्राइव इट फास्टर एंड रीच योर डेस्टिनेशन तो अगर ब्रेक्स को हम हटाई दें तो क्या रियली में आप गाड़ी जो है हंड्रेड वन फिफ्टी टू हंड्रेड की स्पीड पर चलाओगे तो इसी प्रकार से जो हमारी लाइफ है लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसको कि हमें लगता है कि ये हमारे लिए ब्रेक्स हैं राइट बट रियलिटी में वो ब्रेक्स नहीं है इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स आपके टीचर्स आपके फ्रेंड्स जो हैं वो जगह जगह अलग अलग टाइम पे आपको सावधान करते हैं या आपसे क्वेश्चन पूछते हैं गाइड करते हैं और आपको लगता है कि भाई ये तो हमारी प्रोग्रेस पे ब्रेक लगा रहे हैं बट रियलिटी में जो लाइफ की डिफ़िकल्ट आप समझ लीजिए गाड़ी में एक डिफ़िकल्ट टर्न आता है तो लाइफ में भी ऐसी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती हैं जिसके अंदर ये लोग जो हैं हमारे को अलग अलग चीज़ों के लिए गाइड करते हैं ताकि हम सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ वाली गाड़ी को लेके जा सकें तो ये एक्चुअली में ब्रेक्स नहीं है ये एक्चुअली में हमारे सपोर्टर्स ही हैं इनफैक्ट इसी तरीके से कई सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपको लाइफ में फ़ेस करनी पड़ती हैं और हमें लगता है कि भाई हम लोग उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे आगे या फिर हमें वो तरक्की नहीं मिल रही है स्पीड कम क्यों हो गई तो आप समझोगे कि जहाँ पर भी थोड़ी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है वहाँ पे अगर आपने ब्रेक नहीं लगाई तो फिर गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है तो ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ये आपको मौका देती हैं एक बार रुक के आ, सोचने का कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है तो ब्रेक जो है जैसे ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है इसी प्रकार से तो जो आपको गाइडेंस मिल रही है जो लोग आपको थोड़ा सा कॉशन करते हैं कि हाँ भाई थोड़ा देख के चलो और इसी प्रकार से जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती हैं तो ये उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी यू नो स्पीड बढ़ाना है तो आई होप कि uh, अब आप भी याद रखेंगे कि ये जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ये एक्चुअली में आपको ज़्यादा तेज़ प्रोग्रेस करने में हेल्प करती हैं तो आज की एक छोटी सी टेक्टिक मैं आपको देना चाहूँगा तो कई बार क्या होता है हमें रहता है कि भाई uh, हमारी कैलेंडर में क्या वो हो रहा है किस दिन छुट्टी uh, you know, है किस दिन यू नो हॉलीडेज़ हैं तो ये जैसे मेरा गूगल कैलेंडर है मैं इसके अंदर नॉर्मल कैलेंडर ऑफ करता हूँ तो इसमें आप देखेंगे कि यहां पर जो है ना हॉलीडेज़ <coughs> के सारे कैलेंडर दिखाई दे रहे हैं आपको ये देखेंगे आप तो ये आप इसमें ऐड करा सकते हैं तो कैसे ऐड करना है बहुत ही सिंपल है आपने गूगल कैलेंडर को खोल लें कैलेंडर डॉट गूगल डॉट कॉम पर जाके और यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ दो कैलेंडर सेलेक्ट किए हुए हैं तो ये कहाँ से आते हैं तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे और यहाँ पे ब्राउज कैलेंडर्स ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ से ना आप ये कैलेंडर आप ऐड करा सकते हैं देखिए एक तो ये आ गया कि हॉलीडेज़ इन इंडिया यहाँ पे और भी आ जाएंगे और कंट्रीज़ अगर आपको और किसी कंट्री में जा रहे हैं और वहाँ पे आपको इंटरेस्ट है तो वो आप मतलब ये जो देख रहे हैं ना कि ये आप जो कैलेंडर दिख रहा है आपको ये हॉलीडेज़ इन इंडिया है और इसी प्रकार से सम अदर कंट्री दैट यू वॉन्ट यू कैन यू कैन यू नो यू कैन यू कैन सेलेक्ट देयर कैलेंडर ऑल्सो ओके तो जैसे आप ये देखेंगे कि ये आपके सारे कैलेंडर यहाँ पे आ गए एट द सेम टाइम फिर रिलीजियस uh, हॉलीडेज़ के लिए आपको कोई और अगर रिलीजन का चूज़ करना है वो आप कर सकते हैं इन एडिशन टू दैट इवन क्रिकेट का कैलेंडर तो देखना है कि आई सी सी आई पी एल रांझी ट्रॉफी सो ऑल ऑफ दैट एंड अदर गेम्स ऑल्सो ओके इवन फेजेज़ ऑफ मोन तो यू कैन यू कैन एक्चुअली इनबल दीज कैलेंडर्स तो जो भी कैलेंडर आप डालेंगे तो ये देखिए ये देखिए ये कैलेंडर आपके यहाँ पर सेलेक्ट हो गए एंड uh, ये देखिए तो ये कैलेंडर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो गई दिस इज इट And uh, I look forward to seeing you for another amazing story. So, bye bye and take care.